कुछ बच्चे ऐसा करेंगे जो उनको परफॉर्मेंस का इतनी ज्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, इतनी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि उनका जो बेस्ट है वो बाहर आएगा नहीं, ठीक है। उनके दिमाग में पेपर में भी बैठ के ना ये चलता रहेगा कि इस टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर घर वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, ये ठीक है, उसको मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, इस तरह की बातें होंगी। तो यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें कोई दूसरा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसमें केवल तुम अपनी हेल्प कर सकते हो। उसमें तुम्हें ये देखना चाहिए, देखो मेरा काम क्या था, मैंने मेहनत करना था, वो मैंने अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज में की है, अब जो भी मार्क्स आएगा मेरा, ये ठीक है, मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो एंग्जाइटी से या प्रेशर लेने से घटता ही कभी बढ़ता नहीं है, ये ठीक है। एक थोड़ा तो एक प्रेशर रहना चाहिए जिससे हम अपना ऑप्टिमम परफॉर्म करें, बट एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए कि मेरे दिमाग में ये चलता रहे कि अगर पेपर में बैठे हैं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर इसमें मार्क्स नहीं आए तो क्या चलेगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसमें मार्क्स जो तुम्हारे आने चाहिए, जो तुम्हारा बेस्ट पोटेंशियल है वो बाहर ही नहीं आएगा। तो हमारी तो थिंकिंग ये होनी चाहिए, देखो मेरा काम था मेहनत करना, वो मैंने अपना फुल किया है, ठीक है, 90% एफिशिएंसी से किया है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, अब जो मार्क्स आएगा चलो आई विल एक्सेप्ट इट हैप्पीली एंड आई ट्राई टू डू बेटर इन नेक्स्ट एग्जाम आफ्टर एनालिसिस। तो प्रेशर बिल्कुल ना ले, अगर तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना तो कूल रहना सीखना चाहिए हमें कि जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है, अब जो आएगा आई विल एक्सेप्ट इट। So all the best, stay positive, stay awesome.